if you actually see the recent searches on the Google search engine, so whenever you will type how to, तो उसके बाद यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग रिलेटेड टू क्रैक नीट यूजी, क्रैक नीट 2022, क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, समथिंग लाइक दैट, क्रैक नीट इन 3 months, नाइन मोमेंट स्ट्रेटजी, राइट। तो आपको हर टाइम यही सब मिलने वाला है, एंड बिकॉज ये इसलिए मिल रहा है बिकॉज यू पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर इट। सो टुडे इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट दिस, एंड ऑल्सो देयर इज अ वेरी बिग डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो माइट बी रूड फॉर यू पीपल, but it is complete brutal honest video. Hi everyone, I'm Dr. Shivang and I'm Dr. Kanika and welcome back to Dr. Duo. सबसे पहले तो यार वो लोग जो अभी स्टार्ट करके अभी सोच रहे हैं कि नेट पे सर्च कर लेंगे और कुछ ऐसा उनको मैजिक स्ट्रेटजी या ट्रिक मिल जाएगा जिसे 3 महीने पढ़ के निकालेंगे, अब थोड़ा लेट हो चुके हो गाइस क्योंकि डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो साल से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे काफी आगे हो गए। इट्स नॉट दैट कि आई एम सेइंग डोंट स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी अ टॉप रैंकर और मे बी यू गेट मोर देन 600 इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ एंड यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ, राइट। एंड अब यार मैक्सिमम लोग जो सर्च करें इतना फायदा भी नहीं सर्च करने का, बॉयज देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी सब कुछ गलत बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, सबका अपना तरीका होता है। एंड अभी तक अगर आप कुछ फॉलो करते आए हो तो डेफिनेटली यू आर ऑन राइट ट्रैक, ऐसा नहीं अभी आपको सर्च कर लोगे तो आपको कुछ बहुत अलग मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज रखने वाले हैं, हम आपको सबसे बेसिक तरीके बताने वाले हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए एंड एकदम मतलब कंसाइज तरीके जिससे आप श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स ला दो, यू कैन बी अमंग द टॉपर्स इन नीट। सो टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट वेपन गाइस, if you watch our video today, if you watch our previous videos, if you watch any big YouTuber, any favorite YouTuber you have on this Indian platform, तो आपको एक ही चीज दिखेगी जो वो बार 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 बोल रहे होंगे, and that is the ultimate weapon which we'll be talking about, and that is what? NCERT. Completely guys, आपको और कोई चीज पे focus ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। लास्ट के 3 months से बंदे का मन करता है भटकने का, होता है कि यार ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार सब कुछ पढ़ ले कुछ ऐसा ना हो जो छूट जाए। पर गाइस द ओनली थिंग जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ एनसीईआरटी है। इवन वेन शिवान सेड कि अभी अगर आप पढ़ोगे तो टॉप रैंकर में नहीं आओगे, बट स्टिल यू कैन लाइक क्वालिफाई और इवन यू कैन गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इफ यू जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। एंड गाइस हम बार बार ये क्यों बोलते हैं क्योंकि यू वोंट बिलीव मी, दादा कल ही मैं अपने मेल में लिटरली किसी एक बच्चे का, आई वोंट नेम हिम और हर, उसका क्यूरी आया था कि शुड आई डू माय एलन मॉड्यूल और व्हाटएवर, मतलब इस समय मॉड्यूल सर वो भी इतने टफ वाले आई थिंक नहीं सेंस बनता है, बिकॉज अब तो आप देखो अगर आपको मॉड्यूल ऑर्डर करना था शॉप के लिए करो, लेकिन अगर आपको नीट में टॉप करना है, आपको नीट का बेस्ट रैंक लाना है, तब इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं है, कोई आपको एमएससी बीएससी भी नहीं करनी, यू हैव टू आई मीन एंटर एमबीबीएस, उसका सिर्फ एक ही मंत्र है वो है एनसीईआरटी। सेकेंड मंत्र जो है वो होता है आपका MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइस अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स देखोगे, अगर आप वो चीज देखोगे तो आपको ये एक तो पहली बात पता चलेगा कि सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं, एंड इवन इफ यू आर सपोज स्टडिंग एनसीईआरटी देन ऑल्सो अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्रैक। तो एज ही सेड एमसीक्यू आपके लिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट वेपन है। थर्ड मॉक टेस्ट, यार सी एमसीक्यूज भी आपने कर लिया, आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ ली, लेकिन रियल में एग्जाम जैसे सिचुएशन एक लिमिटेड टाइम के अंदर देना, ऑल द न्यू पैटर्न के अंदर एग्जाम टाइम आपका और एक्सटेंड कर दिया गया, दैट्स गुड, लेकिन उसके में सबके लिए एक्सटेंड हो गया, एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस करना एक अलग ही फील होता है, उस प्रेशर वाले मोमेंट में बैठना एक साथ सारे सब्जेक्ट से एक साथ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना वो एक अलग फील होता है। सो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना तो समय सबसे ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ यू माइट बी फीलिंग दैट दे आर अंडर प्रिपेयर्ड राइट नाउ, यू स्टिल हैव 3 months, सो आई विल स्टडी फॉर 2 more months एंड देन आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, बट गाइस ट्रस्ट मी दैट विल बी टू लेट, यू विल बी लेट इफ यू डोंट स्टार्ट मॉक टेस्ट राइट नाउ। कमिंग टू द फोर्थ अल्टीमेट वेपन ऑफ आवर वीडियो दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, the most important thing which you cannot even think to miss, that is previous year questions. आपको minimum last 5 years के previous year questions तो करने ही करने हैं, so that you know how the pattern of the paper is and also how you have to go about with the paper. Right. And the last and the utmost important weapon is your own mindset, your own hard work, your own consistency.
अगर आपके पास ये नहीं था ऊपर आप कुछ भी कर लो नहीं होगा, बिकॉज ये 3 महीना आई मीन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ डेडिकेशन। गाइस अभी तक कम पढ़ते आए हो, कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ रहे थे ना, आपने 11th 12th पास कर रखा है ना यार, आप बोर्ड्स भी तो दिए होंगे, मतलब आपको आता है, यू नीड जस्ट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। सी एनरोलमेंट पे लगता है लाइक यू हैव फोमो जाता है कि यार बाकी सब कितना पढ़ चुके होंगे, वो बगल वाले पड़ोसी कितना पढ़ गया होगा, आई मीन कहीं में पीछे तो नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, सबको लगता है, यू जस्ट नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड जस्ट स्प्रिंट। अब यार सी इट वॉज अ मैराथन राइट नाउ, बट नाउ इट्स अ 100 मीटर रेस, यू नीड टू रन एज फास्ट एज पॉसिबल एंड रीच द गोल। इस समय अच्छे से पढ़ लिया, डेफिनेटली अगले 5.5 साल आपके MBBS के बहुत अच्छे जाने वाले इन दोनों टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। एंड गाइस अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ सिर्फ पढ़ाई 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 है, ऐसा नहीं होता, एक बार आप MBBS में घुस के तो देखो, उसके बाद यू सी द लाइफ इज वे टू डिफरेंट। एंड फॉर दैट वी ऑल्सो हैव अ न्यू चैनल दैट इज चिरांग एंड कनिका, वी बी टैगिंग इट ओवर हियर, उसमें हम आपको रियल लाइफ दिखाते हैं, व्हाट अ रियल लाइफ ऑफ अ डॉक्टर इज other than the life in the hospital. So you will be also living your life to the fullest. The only time you have to study is these last 3 months. So in 3 months में अपनी जान लगा दो, पूरी positive energy के साथ पढ़ो, give up बिल्कुल नहीं करना, quit करने का सोचना ही नहीं। And अगर तुम इन 3 महीने में proper पढ़ लोगे with all these ultimate weapons, then believe me, you will definitely win this battle. And we have a surprise giveaway for you all. जितने चीज हमने mention किया है सब कुछ हमारे app डॉक्टर डुओ के नेम से है, वो अवेलेबल है, एंड उसमें भी हम कई लोगों को फ्री में देने वाले सब्सक्रिप्शन, मोर देन 10,000 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यू विल गेट एवरीथिंग फॉर फ्री। सो गाइस फ्री उसको फ्री में देने का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, यू जस्ट नीड टू बी आई मीन एक्टिव ऑन अ वीडियो, यू नीड टू कमेंट, आई मीन वी नीड टू सी दैट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ चैनल राइट, आप हमारे एडवाइसेस को एक्चुअली फॉलो करो, आप सर्टेनली गिव अवे के विनर हो सकते हो। सो या वी विल जस्ट एंड दिस वीडियो and we hope that this video is really helpful for you all, so please do not forget to share this video with all the NEET UG aspirants and subscribe to our channel and let's make this channel a very big success together, because why should not medicals have all the fun, bye, bye.